एक अमीर लड़का अपने लिए एक सुंदर रोबोट खरीदता है अपना अकेलापन दूर करने के लिए। सो सीरीज की स्टार्टिंग होती है। आदित्य नाम का लड़का जो काफी अमीर था, उसके पापा के बहुत सारे बड़े बिजनेसेस थे, लेकिन एक वजह से उसे अकेले रहना पड़ता था। वो ऑफिस नहीं जाता, वो अकेले अपनी लाइफ काट रहा था, वो ऑफिस का काम भी नहीं देखता था। लेकिन उसे एक दिन इमरजेंसी की वजह से ऑफिस जाना पड़ता है। वो सारे स्टाफ से ऑफिस खाली करवाता है और इनकम टैक्स ऑफिसर से भी काफी दूर से मिलता है। उसने अपने आप को कवर कर रखा था। लेडी ऑफिसर बताती है कि उसकी कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज पैसा लूट और सब इसमें मिले हुए थे। आदित्य प्रूफ देखता है और अपने अंकल शेखर के घर जाता है। शेखर ही सारा काम देख रहा था। वो सीईओ था आदित्य की कंपनी का। आदित्य उसे काम से निकालता है। वो उस पर केस नहीं करता क्योंकि वो उसके पापा का काफ़ी करीबी दोस्त था। और बाद में आदित्य अपने माँ बाप के कब्र के पास जाता है और रोता है। वो बहुत अकेला था। जब वो छोटा था, उसके पेरेंट्स और उसके साथ कहीं गाड़ी में जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था और सिर्फ वही बचा था। और फिर हमें एक मैत्री नाम की लड़की दिखती है जो यूनिक गिफ्ट शॉप चलाती थी। उसे 10 लाख का लोन देना था, इसलिए वो काफ़ी परेशान थी। बाद में आदित्य शॉप पे आता है गिफ्ट लेने। वो कार में ही था, उसने कार से ऑर्डर कर दिया था। वो मैत्री को कार में ऑर्डर डिलीवर करने के लिए कहता है। मैत्री मना करती है। आदित्य ऑर्डर कैंसिल करने वाला था, इसलिए मैत्री मान जाती है। लेकिन एक बाइक वाला उसके ऊपर कीचड़ उड़ा के जाता है। मैत्री को गुस्सा आता है, वो गालियाँ देती है। आदित्य को लगता है वो उसे गाली दे रही है। उसे गुस्सा आता है। मैत्री जल्दी गिफ्ट लेकर आती है। कीचड़ की वजह से वो फेस कवर करके जाती है। आदित्य को अम्ब्रेले की क्वालिटी पसंद नहीं आती, वो आधे पैसे देता है। मैत्री लड़ने लगती है, जिसकी वजह से वो उसके गले में टच करती है और आदित्य के गले में रैशेज आने लगते हैं तेजी से। और सीन शिफ्ट होता है। आदित्य के पेरेंट्स का जब एक्सीडेंट हुआ था, आदित्य सबसे मदद मांग रहा था। एक कपल आता है, वो आदित्य के पेरेंट्स को देखते हैं और वो सारे महंगे आइटम चुराने लगते हैं और आदित्य का पेंडेंट भी लूट के जाते हैं। और लेडी के टच करने की वजह से आदित्य को एलर्जी हो गई थी और उसे एक रेयर बीमारी होती है। अगर किसी अनजान के टच करने से उसे अनसेफ फील होता था तो उसे एलर्जी हो जाती थी, इसलिए आदित्य अकेले रहता था। उसका डॉक्टर रैशेज देख के एक वॉच देता है, जिससे उसे पता चलता रहेगा अपनी एलर्जी के बारे में। अगर वो वॉच रेड हुई तो वो मर जाएगा, इसलिए उसे हमेशा उस वॉच को ग्रीन पर ही रखना था। आदित्य भी सबसे दूर रहता था क्योंकि उसने इंसानों की असलियत देख ली थी। उसे हर टाइम वो पल याद आता था जब वो कपल उसके पेरेंट्स का सामान लूट रहे थे। आदित्य इसलिए इन सबसे दूर रहता था। वो जल्दी किसी को अपने पास नहीं आने देता था। शेखर का बेटा कुछ रोबोटिक साइंटिस्ट को बुलाता है जो ह्यूमन रोबोट बना रहे थे। शेखर का बेटा उनकी टेक्नोलॉजी का पेटेंट करा के पैसे कमाना चाह, लेकिन शेखर को इन सब पे भरोसा नहीं था। वो साइंटिस्ट एलियास को कहता है ये बच्चों के खिलौने बनाना बंद कर दो, और वो उसे भगा देता है। मैत्री आदित्य को कॉल करती है बाकी के पैसे देने के लिए। आदित्य मना कर देता है। वो कहता है तुम घटिया क्वालिटी का माल रखते हो। मैत्री को गुस्सा आता है, उसने आदित्य का पेंडेंट निकाल लिया था। आदित्य हैरान होता है। वो कहता है ये मेरी माँ ने दिया था, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। मैत्री अब मना करती है, वो अब आदित्य से बदला लेना चाहती थी, इसलिए वो पेंडेंट देने से मना कर देती है। बाद में आदित्य के घर में एक ड्रोन आता है, उसमें एक पेन ड्राइव थी। आदित्य उसे प्ले करता है। उसमें एलियास ने एक वीडियो बना रखी थी जिसमें वो अपने ह्यूमन रोबोट दिखा रहा था। वो रोबोट मैत्री की तरह दिखती थी, उसका नाम MY3 था। एलियास बताता है ह्यूमन इमोशन समझती है, इसके सारे एक्शंस ह्यूमन की तरह हैं, इसे वेदर से लेकर शेयर मार्केट तक सबकी नॉलेज है। आदित्य का रोबोट काफ़ी पसंद आता है। वो एलियास को कॉल करता है। वो ये रोबोट 3 महीने के लिए लेना चाह रहा था। वो अच्छी अमाउंट ऑफर करता है, लेकिन पहले वो रोबोट देखना चाहता था, तभी वो डील करेगा। एलियास आदित्य को अपनी लैब में बुलाता है, लेकिन आदित्य शर्त रखता है लैब में कोई नहीं होना चाहिए। और बाद में आदित्य लैब जाता है, वहाँ वो MY3 को देखता है और गुस्से में फ़ोन करता है एलियास को कि यहाँ एक लड़की कैसे है, मैंने तुम्हें मना किया था ना, यहाँ कोई नहीं होना चाहिए। एलियास बताता है वो रोबोट है। आदित्य बहुत शौक होता है। MY3 आदित्य को शौक देख के कहती है मैं आपको प्रूफ कर देती हूँ कि मैं रोबोट हूँ, और वो अपने कपड़े निकालती है। उसकी बॉडी मेटल की थी। आदित्य को यकीन होता है। MY3 हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। आदित्य डरा हुआ था क्योंकि टच से उसे रैशेज हो जाते थे। वो अपनी वॉच चेक करते हुए हाथ मिलाता है, उसे कुछ नहीं होता। वो काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसने काफ़ी सालों के बाद किसी के साथ हाथ मिलाया था। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद वो एलियास से मिलता है, उसे चेक देता है। उसे MY3 काफ़ी पसंद आती है। एलियास बताता है इसे हर 8 घंटे में चार्ज करना होगा, चार्ज सिर्फ हमारी लैब में ही होगा। आदित्य कहता है मैं घर में ही लैब बनवा लूँगा, टेंशन मत लो। एलियास और उसके साथी पार्टी करते हैं MY3 की सक्सेस पर, लेकिन MY3 के ऊपर दारू के ड्रॉप गिरते हैं जिससे उसके सिस्टम खराब हो जाते हैं। सब परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें अब चाइना से चिप मंगवानी पड़ेगी जिसमें 3 महीने लगेंगे। वो आदित्य को कहता है MY3 को डिलीवर करने में टाइम लगेगा।
आदित्य बिल्कुल नहीं सुन रहा था, उसे कल ही डिलीवरी चाहिए थी। सब परेशान होते हैं, एलियास का दोस्त आइडिया देता है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मैत्री को रोबोट की एक्टिंग करवा के 3 महीने चीजें संभालते हैं। एलियास मना करता है क्योंकि वो मैत्री से बात नहीं करना चाहता था और मैत्री और मैत्री एकदम सेम लगते थे, इसलिए उनके पास कोई चारा नहीं था। वो हिम्मत करके मैत्री को फ़ोन करता है, मैत्री फ़ोन फेंक देती है, वो बात भी नहीं करती। सब परेशान होते हैं, एलियास के साथ ही एलियास को मैत्री से मिलकर मनाने के लिए कहते हैं, लेकिन एलियास नहीं मानता और एक लड़की एलियास की लव स्टोरी पूछती है। एलियास का दोस्त बताता है और सीन पास में जाता है। एलियास मैत्री को एक साइंस एक्सपो में मिला था। मैत्री को भी साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट था, वो भी काफ़ी गैजेट्स बनाती रहती थी। एलियास को ये चीज़ पसंद आती है, इसलिए वो उसे अपने प्रोजेक्ट में लेता है। सब मिलके MY3 बनाते हैं। एलियास मैत्री के भाई से मिलता है और शादी के बारे में बात करता है। वो मैत्री को पसंद करता था, मैत्री को भी प्रॉब्लम नहीं थी। मैत्री का भाई शादी के लिए मानता है, लेकिन उसकी शर्त थी उसे ये फालतू प्रोजेक्ट छोड़ना होगा। वो कहता है, तुम कोई आइंस्टाइन या स्टीव जॉब नहीं हो कि तुम्हारे बिना दुनिया चलेगी नहीं। ज़्यादातर लोग स्टार्टअप के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं, ना उनके पास नौकरी करने की उम्र बचती है और ना पैसे, और कर्जा और हो जाता है। तुम्हें यह काम छोड़ना होगा। बाद में एलियास और मैत्री और मेहनत करते हैं, वो मैत्री के लुक्स पे रोबोट बनाते हैं, लेकिन किसी को रोबोट पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि MY3 ह्यूमंस की तरह नहीं थी और उसे और एडवांस करने के लिए 10 लाख रुपये चाहिए थे। मैत्री अपनी भाभी से पैसे लेती है बिना उसके भाई को बताए, और ऐसे ही काफ़ी टाइम बीत जाता है। उन्हें इतनी मेहनत के बाद भी कोई कस्टमर नहीं मिल रहा था, वो परेशान होते हैं। मैत्री के भाई को सच पता चलता है, वो मैत्री को बुला के कहते हैं, मेरे पास एक खुशखबरी है, मैं अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे रहा हूँ क्योंकि इसने मेरे से छुपा के तुम्हें पैसे दिए हैं। बैंक वालों का फ़ोन आ रहा है पैसों के लिए, इसने मेरा भरोसा तोड़ा है, मैंने इससे कभी भी एक चीज़ नहीं छुपाई, कभी भी नहीं। मैत्री उसे मनाती है, इसलिए वो डाइवोर्स नहीं देता, लेकिन वो मैत्री को घर से निकाल देता है और जल्दी 10 लाख रुपये भरने के लिए कहता है, इसलिए मैत्री के ऊपर कर्जा हो जाता है। और सीन प्रेजेंट में आता है, लड़की कहती है, पैसे की वजह से ब्रेकअप हुआ क्या? एलियास का दोस्त नहीं बताता। बाद में एलियास हार मान के मैत्री के पास जाता है, उसे 10 लाख का चेक देता। मैत्री का नशा उतरता और एलियास उसे रोबोट बनने की एक्टिंग करने के लिए कहता है। मैत्री नहीं मानती क्योंकि ये काम काफ़ी टफ था, लेकिन उसे उसकी भाभी का फ़ोन आता है पैसों के लिए, इसलिए मैत्री को मानना पड़ता है। वो MY3 की तरह तैयार होती है, उसे स्पेशल लेंस लगाने पड़ते हैं और उसे एक ईयरफोन दिया जाता है ताकि एलियास और उसके लोग सब देख सकें। आदित्य ने अपने घर के गैराज में एलियास की लैब बनवा दी थी, सब जाते हैं। आदित्य मैत्री को फ़ोन करता है पेंडेंट के लिए, मैत्री कहती है, पेंडेंट भेज दिया। आदित्य एड्रेस मांगता है शॉप का, और दोनों की लड़ाई होने वाली थी। आदित्य मैत्री के सामने आने ही वाला था, एलियास फ़ोन छीनता है और मैत्री आदित्य को सामने देख के हैरान होती है, और आदित्य भी। और शेखर का बेटा लैब आता है, उसने अपने पापा को बड़ी मुश्किल से मनाया था रोबोट के लिए। वो एलियास की लैब में आकर उसे फ़ोन करता है, एलियास उसे गालियाँ देता, और अब शेखर का बेटा रोबोट चोरी करना चाहता था। वो लैब में घुसता है, लेकिन मिनी रोबोट उसे शौक देखे उसे भगा देता है। आदित्य एलियास से पूछता है, MY3 शौक क्यों हुई थी? एलियास बहाना बनाता है कि ये फ्रेंडली मोड में थी। आदित्य फ्रेंडली मोड हटाने के लिए कहता है। एलियास ने मैत्री के पीछे फेक बटन लगा रखा था और मैत्री नॉर्मल मोड में आने की एक्टिंग करती है। आदित्य मैत्री का छोटा सा टेस्ट लेता है और मैत्री उसमें बहुत थक जाती है। एलियास और बाकी सब उसे देख रहे थे, उन्हें डरता कहीं ये पकड़ी ना जाए। आदित्य उसके सामने एप्पल खाता है और मैत्री को भूख लगी थी, और जब आदित्य का ध्यान नहीं तब वो सेब उठा के खाती है, और आदित्य हैरान होता है और सेब गायब था। लेकिन मैत्री कहती है, आपने सेब खा लिया? मैं रोबोट हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। आदित्य यकीन कर लेता है। बाद में आदित्य अपनी दवाई खाता है जिससे उसे खांसी होती है, और उसकी खांसी बहुत बढ़ जाती है और उसे सांस नहीं आ रही थी, मैत्री से देखा नहीं जा रहा था। वो मदद करना चाहती थी, एलियास मना करता है और वो कहता है, कमांड का वेट करो। आदित्य बड़ी मुश्किल से पानी मांगता और मैत्री देती है, मैत्री से रहा नहीं जाता, वो उसकी पीठ थपथपाती है ताकि उसे आराम फील हो। एलियास बहुत रोकने की कोशिश करता है। बाद में आदित्य पूछता है, तुम्हें पीठ थपथपाने वाली बात कैसे पता है? मैत्री झूठ कहती है कि उसे नर्सिंग की ट्रेनिंग भी दी गई है। आदित्य उसे इंजेक्शन देता है और कहता है, कभी मैं बेहोश जाऊँ तो इंजेक्शन लगा दे। मैत्री ना चाहते हुए भी हाँ बोलती है। आदित्य उससे पेंडेंट के बारे में बताता है, वो कहता है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनके उससे बात करो और पेंडेंट दिलवा दो। मैत्री और फंस जाती है। आदित्य मैत्री को फ़ोन करता है और एलियास का दोस्त उठाता है। वो लड़की की आवाज़ में कहता है, मैत्री घूमने गई है, एक हफ्ते में आएगी। मैत्री बसती है। बाद में मैत्री को घर का सारा काम करना पड़ता है, वो काफ़ी थक जाती है।
आदित्य उसे लगातार काम करवाता है और रात में जब जाकर कहता है कुछ कमियां हैं लेकिन बढ़िया रोबोट है। और बाद में मैत्री खाना खाती है, वो ये काम नहीं करना चाहती थी, वो काफ़ी थक गई थी, उसे डर था कि वो कैसे 3 महीने ये सब झेलेगी, वो ये काम छोड़ देती है। लेकिन मैत्री की भाभी फ़ोन करती है और कहती है तुम्हारे भैया अब शांत हो गए हैं। मैत्री पैसे वापस नहीं दे सकती थी इसलिए वो वापस रोबोट बनने के लिए तैयार होती है और अगले दिन वो लेट पहुँचती है। आदित्य गुस्सा करता है, मैत्री कहती है इलियास मुझे चार्ज में लगाना भूल गए थे। आदित्य कहता है आगे से ये गलती नहीं होनी चाहिए। और आदित्य के घर में मैत्री का भाई आता है और मैत्री शौक होती है, मैत्री का भाई आदित्य के लिए काम करता था। आदित्य मैत्री के भाई को डांटता है लेट ऑफिस आने की वजह से। मैत्री का भाई बहुत सॉरी कह रहा था, मैत्री को मजा आ रहा था, वो चाहती थी आदित्य उसे और डांटे। और आदित्य मैत्री को बुलाता है, मैत्री फंसती है लेकिन वो अपने भाई का फेस नहीं देखती और ना उसे अपना फेस दिखाती है, दूसरी साइड खड़ी हो जाती है और कहती है सनलाइट से जल्दी चार्ज खत्म नहीं होता। आदित्य मैत्री के भाई को अपने रोबोट से मिलवाता है, आदित्य का भाई देखना चाहता था रोबोट को। एलियास और मैत्री को समझ नहीं आ रहा था, मैत्री बाल आगे करके मिलती है, मैत्री का भाई डरता है। आदित्य हंसता है, मैत्री बहाना बनाती है कि आपको हंसाने के लिए किया। मैत्री का भाई डर के मारे भागता है, एलियास को जलन होती है क्योंकि मैत्री आदित्य के काफ़ी क्लोज आ रही थी। और बाद में शेखर का बेटा कुछ चोरों को रोबोट चुराने का कॉन्ट्रैक्ट देता है, चोर उसे ठग लेते हैं। बाद में लड़की इलियास के दोस्त से ब्रेकअप की वजह पूछती है, इलियास का दोस्त बताता है। सीन पास में जाता है, इलियास MY3 की प्रेजेंटेशन दे रहा था, क्लाइंट को कुछ खास पसंद नहीं आता क्योंकि इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए थे। वो मैत्री से कोई छोटा सस्ता प्रोजेक्ट पूछती है, मैत्री अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताती है, क्लाइंट को वो पसंद आता है, इलियास को अच्छा नहीं लगता, वो गुस्से में जाता है। और बाद में मैत्री को कहता है तुम्हें अपने बचकाने प्रोजेक्ट के बारे में बताने की क्या ज़रूरत थी। मैत्री को गुस्सा आता है क्योंकि इलियास बहुत सेल्फिश था। बाद में उन्हें पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है और हमें पता चलता है इलियास ने MY3 का सोशल एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो उसे एक दुकान पे ले गया था और अब वो MY3 से फ्लाइंग किस करवा रहा था ताकि उस शॉप वाले को ज़्यादा फ़ायदा, और उसने इसके लिए 10,000 रुपये चार्ज करे थे। और बहुत भीड़ लगती है जिसकी वजह से लेडी पुलिस वाली आती है, वो MY3 को टच करती है और MY3 उसे थप्पड़ मारती है प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, इसलिए इलियास के दोस्त को जेल होती है। इलियास माफ़ी मांगता है और कभी रोबोट बाहर ना निकालने का वादा करता है। अब वो रोबोट बाहर नहीं निकल सकता था और मैत्री का भाई मजाक उड़ाता है क्योंकि MY3 उसी की तरह दिखती थी, इसलिए मैत्री की काफ़ी बदनामी हुई थी। मैत्री गुस्से में इलियास के दोस्त को टीम से निकालने के लिए कहती है, इलियास मना करता है। मैत्री कहती है दोनों में से एक को चुन लो, या मैं या वो। और हाँ, अगर आप लोगों को अभी तक सीरीज पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इलियास कहता है इसके पापा ने लैब में इन्वेस्टमेंट की है, इसे नहीं निकाल सकता। मैत्री गुस्से में जाती है और कहती है तुमने मेरी इज्जत से ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट की पड़ी है, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तुम बस अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हो, तुम बहुत मतलबी हो। और वो ब्रेकअप करती है और सीन प्रेजेंट में आता है और मैत्री आदित्य के पेरेंट्स की फ़ोटो देखती है। आदित्य बताता है वो एक्सीडेंट में मारे गए थे जब वो छोटा था तब, और तब से वो अकेला है और वो कहता है मुझे वो पेंडेंट हर हालत में चाहिए। मैत्री ने मेरा पेंडेंट ले रखा है तब भी मैं उससे नाराज़ नहीं हूँ, वो मुझे पसंद है। मैत्री खुश होती है और वो मैत्री कहती है ज़रूर आप उसे प्यार करते होंगे। आदित्य हंसता है, तभी उसकी दोस्त तारा का फ़ोन आता है, मैत्री पूछती है। आदित्य कहता है मेरी दोस्त है, मैत्री को जलन होती है। तारा आदित्य से मिलती है, वो अपने रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहती थी, वो आदित्य को टच करने लगती है। आदित्य दूर जाने की कोशिश करता है लेकिन वो गले लगने लगती है। आदित्य भागते हुए घर में आता है, उसे बहुत सारे रैशेज आते हैं, वो दर्द में था, मैत्री से उसकी हालत देखी नहीं जाती। आदित्य डर के मारे चिल्ला रहा था और आदित्य उसे इंजेक्शन लगाने के लिए कहता है, मैत्री बड़ी मुश्किल से लगाती है। आदित्य नॉर्मल होता है, वो कहता है तुमने नर्सिंग का कोर्स किया है तब भी ऐसा लगा कि तुम पहली बार इंजेक्शन लगा रही हो। मैत्री बहाना मारती है, वो कहती है मुझे बहुत सारे कमांड्स मिल रहे थे ना इसीलिए। मैत्री उससे पूछती है आगे ऐसी दिक्कत ना हो इसलिए क्या आप इस बीमारी के बारे में बता सकते हो। इलियास को जलन होती है क्योंकि उसे पता था ये वो पर्सनली पूछ रही थी। आदित्य बताता है एक्सीडेंट के बाद से वो लोगों से अनसेफ फील करने लगा था जिसकी वजह से कोई भी अगर उसे टच करता था तो उसे रैशेस हो जाते थे, इसीलिए वो लोगों से दूर रहता है। मैत्री को बुरा लगता है, आदित्य कहता है मैं बचपन से अकेला हूँ, मेरे पास इतना पैसा है तब भी मुझे जीने का मन नहीं करता, क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। इलियास मना करने के लिए कहता है, उसे डर था कहीं मैत्री
पकड़ी ना जाए। मैत्री हाथ देती है और आदित्य उससे हाथ मिलाने ही वाला था, आदित्य को फोन आता है उसके डॉक्टर का और वो बात करके मैत्री की आंखों में पट्टी बांधता है और निकलता है और आई लव यू कहता है। मैत्री भी उसे पसंद करती थी, वो आई लव यू टू कहती है और कहती है आप तो तारा को पसंद करते हैं ना। आदित्य कहता है वो बस मेरी बचपन की दोस्त है। मैत्री खुश होती है, आदित्य उसे बाहर ले जाता है घुमाने के लिए और इलियास को डर था कहीं वो मैत्री को टच ना कर ले। अब वो सच बताना चाहता था इसलिए वो आदित्य के डॉक्टर के पास जाता है, उसे सच बताता है। डॉक्टर भी डरता है क्योंकि इस आइडिया की वजह से उसकी जान भी जा सकती थी और आदित्य काफ़ी खुश होता है। वो मैत्री को तारा के पास जाता है, आदित्य तारा से कहता है ये मेरी होने वाली वाइफ है, मैं इससे प्यार करता हूँ। तारा उसे भगाने लगती है, आदित्य कहता है ये रोबोट है। तारा को यकीन नहीं होता, वो उसे टच करने लगती है, मैत्री उसे थप्पड़ मार देती है। तारा को गुस्सा आता है, वो आदित्य का कॉलर पकड़ती है, आदित्य डरने लगता है लेकिन मैत्री उसका हाथ पकड़ती है जिसकी वजह से आदित्य को रैशेज नहीं होते। उसे इस चीज़ से काफ़ी खुशी होती है, वो बार बार अपनी वॉच चेक करता है। वो मैत्री को और पसंद करने लगता है और वो बच्चों की तरह सबसे हाथ मिलाता है। वो काफ़ी खुश था, मैत्री को भी अच्छा लगता है। वो घर आता है, वो देखता है डॉक्टर और अलियास वही थे। आदित्य अपने डॉक्टर से हाथ मिलाता है खुशी से, वो बहुत ज़्यादा खुश था। डॉक्टर भी हैरान था, आदित्य कहता है एम मैत्री अब मेरी है, वो जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी। जब वो मेरे साथ रहती है मुझे डर नहीं लगता, ना मुझे रैशेज होते हैं। वो इलियास से अब लाइफ टाइम के लिए एम मैत्री को लेना चाहता था। इलियास मना करता है और कहता है मैंने इसे दूसरे क्लाइंट को दे दिया है अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद और अब नए क्लाइंट नहीं मानेंगे। आदित्य एम मैत्री को मारने के लिए कहता है, एम मैत्री मार दे। और आदित्य वीडियो बना के कहता है अगर तुमने एम मैत्री को किसी और को दे दिया तो ये वीडियो मैं पुलिस में दे दूंगा, तुम्हें जेल भिजवा दूंगा और एम मैत्री को फ्री में अपने पास रखूंगा। इलियास को आदित्य की बात माननी पड़ती है। बाद में सब परेशान होते हैं, मैत्री भी हैरान होती है कि उसके छूने पर आदित्य को रैशेज क्यों नहीं हुए। इलियास अब आदित्य को सच बताना चाहता था क्योंकि चीज़ें बहुत सीरियस हो गई थी। डॉक्टर इलियास को कहता है आदित्य की बीमारी साइकोलॉजिकल है, अगर उसे अब सच पता चला तो उसका भरोसा टूट जाएगा और हार्ट अटैक से उसकी जान भी जा सकती है। पहले भी एक पेशेंट के साथ ऐसा हो रखा है, हम इसे कुछ भी नहीं होने दे सकते, हम इसे सच नहीं बता सकते। सब परेशान थे लेकिन अगले दिन इलियास के दोस्त आते हैं खुश होकर, वो चिप लेकर आ गए थे। इलियास और बाकी सब खुश होते हैं, मैत्री उदास होती है और इलियास और उसके दोस्त मिलकर मैत्री की मेमोरी एम मैत्री में डालते हैं और अब एम मैत्री तैयार थी और इलियास मैत्री को जाने के लिए कहता है। मैत्री कहती है उसे पेंडेंट लाना है आदित्य का, उसने घर में छुपा रखा है। इलियास कहता है मैं ले आऊँगा। मैत्री कहती है मैं लाऊँगी और वो जाती है। वो आदित्य से बहुत प्यार करती थी, वो उसे लास्ट टाइम देखती है। मैत्री का भाई वहाँ आता है, उसे सब पता चल गया था। मैत्री को भी पूरी बात बतानी पड़ती है। मैत्री का भाई पेंडेंट मांगता है आदित्य को इम्प्रेस करने के लिए लेकिन आदित्य आता है, वो मैत्री को ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कहता है। मैत्री का भाई आदित्य को कहता है दो दिन में पेंडेंट आपको मिल जाएगा। मैत्री परेशान होती है, इलियास को लगा था मैत्री चली गई होगी इसलिए वो एम वाई थ्री लाता है और एम वाई थ्री आदित्य को ऑर्डर देने के लिए कहती है। आदित्य हैरान होता है क्योंकि उसने अभी तो काम दिया। इलियास झूठ कहता है कि ये मजाक मोड में और एम वाई थ्री ब्रेकफास्ट बनाने जाती है। दूसरी तरफ मैत्री ब्रेकफास्ट लेकर आती है, आदित्य और हैरान होता है। मैत्री इलियास को देख के समझ जाती है और वो कहती है प्रैंक डे है आज और मैत्री अंदर जाती है एम वाई थ्री के पास। वो उसे मना करती है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। एम वाई थ्री नहीं सुनती क्योंकि वो बस बॉस का ऑर्डर फॉलो करती थी। मैत्री उस पर गुस्सा करती है, एम वाई थ्री उसे मार के बेहोश करती है और ब्रेकफास्ट लेकर जाती है। आदित्य और हैरान होता है और इलियास उसके साथ बड़ी मुश्किल से बात संभालता है और भागता है और आदित्य ये एक्स्ट्रा ब्रेकफास्ट माली को देने के लिए कहता है, एम वाई थ्री देती है लेकिन माली गलती से एम वाई थ्री के ऊपर पानी डाल देता है जिसकी वजह से एम वाई थ्री का सिस्टम फिर ख़राब होता है और वो माली को थप्पड़ मारने लगती है। इलियास आता है, वो और परेशान हो जाता है क्योंकि वापस 3 महीने बाद ही नई चिप आएगी, ये चिप खराब हो गई थी। इलियास का दोस्त मैत्री को सब संभालने के लिए कहता है और मैत्री वापस रोबोट बन के जाती है। आदित्य को पानी गिरने वाली बात पता चलती है, वो मैत्री को लैब में ले जाना चाहता था। मैत्री रोकने की कोशिश करती है क्योंकि लैब में एम वाई थ्री थी लेकिन आदित्य नहीं मानता और लैब में आदित्य एम वाई थ्री को देख के हैरान होता है लेकिन इलियास के दोस्त उसे छुपाते हैं। मैत्री भी एक्टिंग करती है यहाँ कुछ ना होने की और इलियास के दोस्त भी गायब होते हैं और आदित्य और कन्फ्यूज़ होते। बाद में उसे शक था कहीं इलियास एक रोबोट तो नहीं बना रहा। आदित्य ऐसा एक रोबोट ना बनाने की धमकी देता है। बाद में आदित्य एम वाई थ्री के साथ मैत्री की शॉप पर जाता है। मैत्री की दोस्त उसे देख के हैरान होती है
आदित्य सॉरी बोलता है और पैसे देता है बचे हुए। मैत्री की दोस्त कहती है वो उठी गई है, जैसे ही आती है वो पेंडेंट दे देगी। आदित्य खुशी खुशी सबको मैत्री से मिलवाता है। अपनी पार्टनर बता के वो मैत्री को काफ़ी पसंद करने लगा था, वो एक छोटी पार्टी भी रखने वाला था। और बारिश आती आदित्य अम्ब्रेला से मैत्री को भीगने से बचाता है। उसे अम्ब्रेला काफ़ी पसंद आता है, वो मैत्री को भी पसंद करता था। मैत्री कहती है मैत्री या मैत्री आपको कौन ज़्यादा पसंद है? और हाँ, अगर आप लोगों को अभी तक सीरीज़ पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आदित्य कहता है तुम, क्योंकि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मेरी लाइफ बदल गई है। मैत्री भी मुझे पसंद है क्योंकि वो पहली लड़की है जिसने मेरे से ऐसे बात करी, क्योंकि ज़्यादातर लोग मेरे से मेरे पैसों के लिए बात करना चाहते हैं। बाद में शेखर का बेटा तारा से शादी करता है। उसे पता चलता है आदित्य एक पार्टी दे रहा है और उसने उसे नहीं बुलाया। उसे गुस्सा आता है। शेखर कहता है बेटा हमने उसकी कंपनी से इतना पैसा लूटा है, तूने सोचा भी कैसे कि वो हमें पार्टी में बुलाएगा? शेखर अपने बेटे को रोबोट चुराने के लिए कहता है और शेखर का बेटा तारा के साथ पार्टी में जाता है। शेखर के बेटे ने एक बटन बनवाया था जिससे मैत्री पे लगा के वो मैत्री को ब्लास्ट करना चाहता था आदित्य से बदला लेने के लिए। तारा भी उसका साथ देती है और आदित्य मैत्री को तैयार करता है और उसे अपनी वाइफ की तरह सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। मैत्री के दोस्त आदित्य को पेंडेंट वापस देती है। आदित्य बहुत खुश होता है। शेखर का बेटा बहाने से मैत्री की बॉडी पे चिप लगाता है और आदित्य मैत्री को अपनी माँ का पेंडेंट देता है। मैत्री को बुरा लगता है। बाद में आदित्य एलियास को ब्लैंक चेक देता है क्योंकि वो मैत्री के साथ एलियास और उसकी टीम को भी हमेशा अपने पास रखना चाहता था मैत्री की मेंटेनेंस के लिए। एलियास डर जाता है क्योंकि चीज़ें काफ़ी आगे बढ़ गई थी। उसे आइडिया आता है, वो प्लान बनाता है। वो कहता है हम आदित्य को कहेंगे पार्टी के लाइटनिंग की वजह से MY3 की चार्जिंग ओवरलोड हो गई और उसका सिस्टम क्रैश हो गया और अब वो कभी भी उसे वापस ठीक नहीं कर पाएंगे। मैत्री इन सब के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन वो आदित्य को और धोखा नहीं दे सकती थी, इसलिए वो मानती है और एलियास मेन स्विच बंद करता है। और आदित्य आता है एलियास MY3 की बॉडी को डैमेज करके कहता है पार्टी के लाइटनिंग की वजह से ओवरलोड के कारण सिस्टम क्रैश हो गया और अब ये कभी ठीक नहीं हो सकती। आदित्य पहले यकीन नहीं करता, वो जल्दी ही ठीक करने के लिए कहता है। एलियास उसके साथ ही मना करते हैं। आदित्य बहुत रोता है और मैत्री भी उसे दुखी देख के रोती है। मैत्री और आदित्य टूट जाते हैं और बाद में आदित्य काफ़ी डिप्रेस था, इसलिए डॉक्टर उसे गोवा की टिकट देता है और घूमने के लिए कहता है। और आदित्य उदास होकर जा रहा था, लेकिन वो एयरपोर्ट में मैत्री को देखता है। वो हैरान होता है और वो एलियास को कहता है मुझे पता था तुम MY3 को ठीक कर दोगे, तुमने मुझे सरप्राइज दिया है ना। MY3 को एयरपोर्ट भेज के एलियास मना करता है। आदित्य वीडियो कॉल पे दिखाता है, एलियास वापस झूठ कहता है और कहता है ये प्रीति है, ये मॉडल है, इसी को देख के उसने MY3 को बनाया था। आदित्य को दुख होता है, लेकिन वो मैत्री से बात करने की कोशिश करता है। एलियास फोन पे उसे सब बताता है, इसलिए मैत्री आदित्य को बताती है वो प्रीति है और वो आदित्य से दूर होती है। लेकिन आदित्य उसके पीछे पीछे अपनी फ्लाइट छोड़ के हैदराबाद। मैत्री उसे कहती है मेरा पीछा करना बंद करो। वो उसे बताता है कि MY3 उसी देख के बनाई गई थी, मैत्री उससे बात नहीं करना चाहते थे। आदित्य उसका बोर्डिंग पास देखता है और उस पर मैत्री लिखा था, वो हैरान होता है। मैत्री बात घुमाती और भागने की कोशिश करती है, लेकिन आदित्य उसे रोकता है और गलती से मैत्री का पेंडेंट सामने आता है जो आदित्य ने उसे दिया था। वो हैरान होता है और लास्ट में मैत्री को सब सच बताना पड़ता है। आदित्य और शौक होता है, वो काफ़ी गुस्सा होता है, उसे चक्कर आने लगते हैं। मैत्री उसे संभालने के लिए टच करने लगती है, लेकिन आदित्य डरा हुआ था, वो उसे दूर करता और आदित्य को रैशेज होने लगते हैं पहले से काफ़ी ज़्यादा। मैत्री उसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर कहती है मैंने आदित्य के डॉक्टर से बात करी, अभी तक उसे ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन उसकी कंडीशन और ख़राब होती जा रही है। एलियास वहाँ आता है, वो मैत्री से पूछता है कहीं आदित्य को सच तो नहीं पता चल गया। मैत्री को गुस्सा आता है, वो कहती है तुम मतलब ही हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। और एलियास को बुरा लगता है और आदित्य का डॉक्टर और लेडी डॉक्टर मैत्री को कहती है आदित्य को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें मैत्री बन के उसके सामने जाना होगा, तभी शायद वो ठीक हो सकता है। मैत्री मान जाती है, वो जल्दी MY3 की तरह तैयार होकर आदित्य के पास जाती है। आदित्य उसे देखकर खुश होता है और कहता है तुम कहाँ चली गई थी MY3? उसे लगा था एलियास ने MY3 को ठीक कर दिया। और आदित्य के रैशेस गायब होते हैं। मैत्री रोते हुए कहती है मैं रोबोट नहीं हूँ। आदित्य हैरान होता है और मैत्री सॉरी कहती है, लेकिन अभी तक तुम्हारे साथ रोबोट नहीं मैं ही थी, सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और वो आदित्य को टच करती है। आदित्य को रैशेज नहीं होते, वो भी उसे गले लगाता है क्योंकि वो उससे प्यार करता था। और बाद में सब एक साथ लंच करते हैं और मैत्री आदित्य को टेक्नोलॉजी से दूर रहने के लिए कहती है क्योंकि वो आदित्य के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। आदित्य भी अब मैत्री को टाइम देना चाहता था।
लेकिन उसे फोन आता है कि MY3 से भी ज्यादा एडवांस रोबोट आया है जिसे हफ्ते में एक बार चार्ज करने की जरूरत, और आदित्य उसे खरीद लेता है और सबको दिखाता है और सीरीज यहीं पे खत्म हो जाती है। और हाँ, अगर आप लोग भी किसी सीरीज या मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहते तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं।